तो गाइज यार हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स के काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे इस वाले चैनल पर आपको काफ़ी तगड़े लेवल वाले गेमिंग वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो लेट्स गो, आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट गाइज, तो आज का हमारा सबसे पहला मैच स्टार्ट हो गया और हम लोग आ गए हैं 4v4 टीम डेथ मैच के अंदर। सबसे पहले तो भैया आप हमारे टीम के अंदर देखिए, 3 बंदा दिव्या हीरो लेकर के और 1 बंदा जूका हीरो लेकर के है। भाई काफी ज्यादा पावरफुल टीम हम लोगों ने बना लिया है, काफी ज्यादा पावरफुल स्क्वाड है हमारा। तो यार ओपोनेंट वाले बंदे लोगों को तो हम लोग इजीली फिनिश आउट कर देंगे। सबसे पहले इस रेजर हीरो वाले बंदे को मैंने डैमेज दिया और फाइनली मेरे टीममेट ने फिनिश आउट कर दिया। और भाई जितने भी बंदे आए थे सारे के सारे बंदे लोगों को हम लोगों ने मार दिया था। तो फिर मैं यहाँ पर हेल्थ वाले पावर अप को लेकर के आगे के साइड में जाने लग गया और फिर आगे से जितने भी बंदे आ रहे थे हम लोग सारे के सारे बंदे लोगों को मिल करके मारे जा रहे थे। और भाई यार मैं क्या बताऊं, मतलब भाई ये वाला मैच काफी जल्दी खत्म हो गया और इस वाले मैच को हम लोगों ने विन भी कर लिया। सबसे अजीब बात तो ये है भाई, मेरा यहाँ पर 0 किल शो कर रहा है। मैंने मतलब कि यार एक भी बंदे को मारा ही नहीं, मेरा सारा का सारा किल चोरी हो गया। कोई ना, एटलीस्ट हम लोगों ने मैच को तो विन कर ही लिया। लेट्स गो, सेकंड मैच भी खेलते हम लोग। तो अब हमारा सेकंड मैच भी स्टार्ट हो गया और इस बार तो भैया पूरा पूरी अलग सीन है, क्योंकि हमारे टीम के अंदर यहाँ पर चारों के चारों बंदे दिव्या हीरो लेकर के है। और आपको मालूम ही है कि दिव्या हीरो कितना ज्यादा पावरफुल हीरो है हमारे बैटल स्टार्स गेम के अंदर। और क्योंकि अब हमारे टीम के अंदर चारों के चारों बंदे दिव्या हीरो लेकर के है तो ओपोनेंट वाले बंदे लोगों को बचना बहुत ही मुश्किल है। हम लोग यहाँ पर इजीली ओपोनेंट वाले बंदे लोगों को मार सकते हैं, सिर्फ 2 से 3 शॉट मारना और सामने वाले बंदे खत्म। मुझे तो शील्ड वाला पावर अप मिल गया था तो फिर मैंने आगे बढ़ करके रश किया और अब आप देखिए मैंने क्या ही तगड़ा क्लच किया था। यहाँ पर मैंने सामने वाले जूकाइर वाले बंदे को मारा, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे होकर के मार रहा था ताकि सामने वाले बंदे मुझे ना मार पाए और मैं इजिली मार दूं। आप यहाँ पर देखिए क्या ही तगड़ा क्लच किया था मैंने, मेरे बंदे लोगों का हेल्थ काफी ज्यादा कम हो गया था तो इसलिए मैं आगे बढ़ करके आस्ते आस्ते मार रहा था और लिटरली मेरा 1 HP बचा था और मैंने बंदे को मारा। उतने में मैच खत्म हो गया और हमने इस वाले मैच को विन भी कर लिया। आप देख सकते हैं ओपोनेंट वाले बंदे लोगों का 0 पॉइंट्स है भाई, लास्ट में मेरा सिर्फ और सिर्फ 1 HP बचा था। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 2 मैचेस खेले थे टीम डेथ मैच के अंदर और काफी अच्छा तगड़ा लेवल वाला गेम प्ले के साथ हम लोग मैचेस को विन कर रहे थे। बट उसके बाद जैसे ही हमारा तीसरा मैच स्टार्ट हुआ यानी कि थर्ड मैच, इस वाले मैच के अंदर मुझे क्या दिखता है कि मैं अपने टीममेट्स के साथ नहीं आया हूँ, मैं बल्कि ओपोनेंट में आ गया हूँ भाई। यानी कि जो मेरे टीममेट्स थे वो लोग मेरे ओपोनेंट में है और मैं उनके ओपोनेंट में आ गया हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले मैच के अंदर भी मारने की कोशिश करते हैं। फिलहाल तो यार सामने के साइड में मेरे टीममेट्स आ रखे हैं और काफी तगड़े तगड़े हीरोज वो लोग लेकर के हैं, तो मारना थोड़ा सा मुश्किल भी है क्योंकि यार मेरे टीम के अंदर तीनों के तीनों रैंडम प्लेयर्स हैं और शायद से कुछ कुछ बंदे यहाँ पर कंप्यूटर के बॉट्स भी है, मुझे ऐसा लग रहा था। और लिटरली मैं जाते के साथ मर गया भाई। इस वाले मैच के अंदर बहुत गंदा सीन हुआ, सामने वाले बंदे इतना तगड़ा रश कर रहे हैं, वो लोग मतलब यार मेरे टीम के ही बंदे हैं। पता नहीं, मैं हो सकता है कि मैंने लास्ट में ज्वाइन किया था जिससे कि मैं ओपोनेंट में चला गया। और लिटरली भाई सामने वाले बंदे लोगों ने मिल करके क्या ही तगड़ा रश करके मारा है, मैं मतलब रिवाइव होकर के आ रहा हूँ, उतने में ये लोग मारे जा रहे हैं। इस बार जाकर के फाइनली मैंने दिव्या हीरो वाले बंदे को मारा, उसके बाद रैंगो हीरो वाले बंदे को भी फिनिश आउट किया, उतने में मैं फिर से मर गया। आप यहाँ पर देखिए मेरे टीम के सारे बंदे मर गए, फिर उसके बाद मैं अकेला बच रहा था और फिर मैं भी मर गया। और फिर उसके बाद पता नहीं ये कैसा ग्लिच हुआ, यहाँ पर सारे के सारे बंदे लोग मर गए जबकि ओपोनेंट वाले बंदे लोगों का पॉइंट्स भी काफी ज्यादा है। बट मैच खत्म ही नहीं हुआ और ना ही हम लोग मैच से हट रहे थे, हम लोग अभी भी जो है मैच के अंदर ही थे भाई, जबकि कोई भी बंदे और यहाँ पर बच ही नहीं रहे और ना ही कोई बंदे अब रिवाइव भी हो सकते हैं। और अब हम लोग आ गए हैं दिल्ली मैप के अंदर। और बात की जाए अपने टीममेट्स की तो भैया मैं यहाँ पर हूँ और बाकी के जो मेरे 2 टीममेट्स हैं वो लोग दोनों के दोनों रैंडम प्लेयर्स हैं, यानी कि वो लोग जो है मेरे फ्रेंड लिस्ट वाले बंदे नहीं है, दोनों के दोनों रैंडम से आए हैं। और मुझे नहीं पता मैच के अंदर क्या हो सकता है, देखते हैं कि मैच के अंदर सीन क्या होता है। फिलहाल तो मैं आते के साथ पावर अप्स कलेक्ट कर ले रहा था ताकि बंदे लोगों को मारने में थोड़ा आसानी हो, तो मैंने काफी सारे पावर अप्स कलेक्ट कर लिए थे। फिर उसके बाद मैंने ऊपर जाने का डिसाइड किया क्योंकि मुझे एक भी बंदा नहीं दिख रहा था। उतने में मुझे किल शॉट हीरो वाला बंदा दिखा, मैंने इस बंदे को मारने की कोशिश किया और उतने में मैं मर भी गया भाई। ये किल शॉट हीरो वाले बंदे ने मुझे मार दिया यार, मैं दिव्या हीरो लेकर गया था, मैं फिर भी मर गया भाई। यार मैं बता रहा हूँ, अगर आपको दिल्ली मैप के अंदर गेम खेलना है ना तो आप वीर हीरो लेकर के खेलिए, वीर हीरो सबसे बेस्ट है दिल्ली मैप के अंदर। और बाकी 4v4 टीम डेथ मैच के अंदर दिव्या हीरो सबसे बेस्ट है। अगर ये बंदा मरता है तो फिर डायरेक्टली हम लोग का मैच खत्म हो जाएगा और हम लोग मैच को हार जाएंगे। और मुझे जहाँ तक लग रहा है ये बंदा रॉबर्ट है। ओके, तो
सामने की साइड से एक ओपोनेंट वाला बंदा आया और वो बंदा टेक्नो हीरो लेकर के, और ये बंदा काफी अच्छा मूवमेंट दिखा करके हमारे टीममेट को मार रहा है और हमारा टीममेट मर भी गया और मैच भी खत्म हो गया। यहाँ पर हम लोग दिल्ली मैच के अंदर भी हार गए भाई। तो गाइज यार आज हम लोगों ने टोटल 4 मैचेस खेले, जिसमें से कि स्टार्टिंग के 2 मैचेस के अंदर हम लोगों ने काफी तगड़ा लेवल वाला गेम प्ले के साथ यहाँ पर मैच को विन किया था। बट उसके बाद थर्ड मैच के अंदर पता नहीं कैसा ग्लिच हुआ या फिर क्या सीन हुआ, हो सकता है कि मैंने लेट से लॉबी को ज्वाइन किया था जिससे कि मैं अपने टीममेट्स के ही ओपोनेंट में चला गया था और फिर उसके बाद क्या ही गंदे तरीके से मैं मरा हूं उस वाले मैच के अंदर, आप लोगों ने देखा ही है। और उसके बाद हम लोगों ने फोर्थ मैच भी खेला दिल्ली मैप के अंदर और उसके अंदर भी हम लोग मर गए, उस वाले मैच को भी हम लोग विन नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग ट्राई करेंगे दिल्ली मैप के अंदर हर एक सिंगल मैच को विन करने का। फिलहाल तो यार आज की इस वाली वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी जल्दी मिलते हैं हम लोग हमारे कल एक ब्रांड न्यू गेमिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।